नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। आज क्राइम टाइम आपके लिए लाया मेरठ की वो दिल दहला देने वाली तस्वीर, जहां 2 महीने के बच्चे को यूपी पुलिस ने बेदर्दी से एक हाथ से उठाकर रखा है, जहां पर इस वीडियो इस तस्वीर की निंदा हो रही है कि कैसे बेदर्दी से 2 महीने के बच्चे को पुलिस ने उठा के रखा है। लेकिन पुलिस ने अपनी सफाई भी दी है कि वो बच्चे को उठा के कोई तकलीफ नहीं दे रही थी, उसको उस झगड़े के दौरान बचा रही थी। लेकिन अगर बचा रही थी, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक हाथ से इतनी बेदर्दी से क्यों उठाया जा रहा था। आइए आपको हम बताने जा रहे क्राइम टाइम में कि क्या ऐसी घटना घटी जब पुलिस को 2 महीने के इस बच्चे को बेदर्दी से एक हाथ से उठा के ले जाना पड़ा। अब डालते हैं नजर मेरठ से आने वाली इस खबर पर। एक नजर, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, वो तस्वीर जिसमें एक पुलिस वाला एक छोटे से बच्चे को एक हाथ से उठाए दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरह से ये पुलिस वाला एक छोटे से बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को एक हाथ से उठाए हुए है। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस इतनी निष्ठुर हो गई है, क्या इंसानियत भी पुलिस में नहीं बची है, किस वजह से इतनी बेदर्दी से इस बच्चे को उठाया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मेरठ के लाल कुर्ती इलाके के बेगमपुल इलाके की तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है कि यहां पर पुलिस को खबर मिली कि 2 गुट आपस में झगड़ रहे हैं, शराब के नशे में 2 गुट आपस में झगड़ रहे थे। वहां पर महिलाएं भी थी, उनके बच्चे भी थे। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, इनको रोकने की कोशिश करती है, तो पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि उनके ऊपर जब हमला होता है तो वो किसी तरह से अपने आप को वहां से बचाते हैं, और इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा वहां पर होता है, उसको भी बचाने की कोशिश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये मैंने भी फोटो दिखाया, आपने मुझको दिखाया भी अभी, और ये सही बात है कि वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी के द्वारा एक बच्चे को उठाया गया है। मैं आपको इसको पूरा घटनाक्रम बताऊंगा। घटनाक्रम यह है कि कल बेगमपुल पर लाल कुर्ती और सदर बाजार क्षेत्र के बीच में, बेगमपुल पर फुटपाथ पर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच में कुछ परिवारों में झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा काफी बढ़ गया। वहां पर मौजूद यातायात के पुलिसकर्मी और बाद में वहां पे सिविल पुलिस के भी आ गए थे, उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे, बल्कि जब पुलिस ने इसमें उनको रोका है और शांति स्थल बनाने की कोशिश करी, तो पुलिस के ऊपर भी उन्होंने जो है हमला किया, जिसमें एक पक्ष का छोटा सा बच्चा जो कि वहां पर बीच में पथराव के बीच में फंस गया था, उसको पुलिस के द्वारा वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन जो आज मीडिया में कवरेज हुई है उससे जो है इसका कोई दूसरा अर्थ निकाला जा रहा, तो इसलिए इस सारी बातों को जानकारी करते हुए इसमें जांच करके जो है सत्ता का पता लगाया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मैंने आपको बताया, बच्चों को चोट ना पहुंचे लोगों के पथराव में, पुलिस के द्वारा उसको इवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है, ये अभी तक हमारी जानकारी है इसमें। तो सुना आपने, लेकिन सवाल यही है अभी भी पुलिस के अधिकारियों से और उन तमाम पुलिस वालों से कि चलिए ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि आप इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर गए थे, आपकी मंशा सही थी, लेकिन तरीका कैसा था? बच्चे को बचाने के लिए आप क्या 2 महीने के बच्चे को एक हाथ से पकड़ लेंगे, और ऐसे में क्या बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? किस तरह से आप इस बच्चे के साथ बेरहमी करते हैं, ये सवाल अभी भी है कि क्या वाकई में वर्दी में इंसानियत नहीं बची है वर्दी वाले।